सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। तो यार, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं सारे के सारे सुपर प्लेयर के कंपैरिजन और रिव्यू वाले वीडियो स्टार्ट करूंगा बहुत ही जल्दी। तो आज से मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है, ठीक है। और आज के इस पहले सीरीज के पहला वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द बेस्ट फ्री किक टेकर के बारे में, मतलब कुछ ऐसे सुपर प्लेयर के बारे में जो फ्री किक गोल कर सकते हैं। तो उनमें से जो सबसे बेस्ट फ्री किक टेकर है वो कौन है, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और आपको, अगर आपके पास सारे के सारे फ्री किक टेकर प्लेयर मौजूद हैं, तो आपको अपनी टीम में कौन से प्लेयर को प्राथमिकता देना चाहिए, आप कौन से टीम अपने टीम में कौन से प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप पाँचों के पाँचों प्लेयर को खिलाएंगे, है ना, क्योंकि आपके पास और भी सुपर प्लेयर अवेलेबल होंगे। तो यार, एक बात और है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आज का हमारा वीडियो है, ये वीडियो है हमारा पहला वीडियो, ठीक है, मतलब पार्ट वन है। पार्ट टू पार्ट थ्री आएंगे। और इस वाले वीडियो में मैं तीन सुपर प्लेयर ले रहा हूँ। पहला है हमारा कंपोजर, उसके बाद है मार्क्समैन, मार्क्समैन के बाद है हमारा हिटमैन, ठीक है। तो इन तीनों प्लेयर के बारे में आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सो यार, अगर मैं बात करूँ मार्क्समैन के स्टैटिक्स की, तो जो इसका जो स्पीड है वो हमारे रेगुलर प्लेयर प्रोड्यूसर की तरह चलता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके पास शॉट है, पास है, और शॉट पावर है, हाइट भी है, स्ट्रेंथ भी है, रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है यार। और इसके पास स्किल की बात करें तो प्रोड्यूसर की तुलना में स्किल थोड़ा सा इसका कम है, यानी कि 9th लेवल में 37th का स्किल है, ठीक है। अब इसके फ्री किक टेकर को देखो। अब मैं अपने एक फ्रेंड के साथ फ्रेंडली मैच खेल रहा हूं और उसमें ये फ्री किक रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो सामने वाले प्लेयर को मिला है फ्री किक, और देखो उन्होंने बहुत ही टॉप कॉर्नर पे मुझे गोल दिया ये फ्री किक, ठीक है। एक बार मुझे मिला और मैं क्या करूंगा, राइट टॉप कॉर्नर पे शॉट करूंगा कर्व करके, ठीक है। और ये देखो, ये खतरनाक वाला गोल। और एक बार फिर से मार्क्समैन को देख लो, इस बार भी वही राइट टॉप कॉर्नर पर कर्व करके शॉट करूँगा, और ये देखो ये वाला भी गोल। तो यार, क्या होता है कि हमारे जितने भी फ्री किक टेकर होते हैं, ठीक है, जितने भी ऐसे प्लेयर होते हैं जिसके पास स्किल होता है, स्किल के साथ साथ शॉट होता है, तो ऐसे प्लेयर का फ्री किक और मतलब फ्री किक शॉट काफ़ी गोल होता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास होता है कर्व शॉट। और ऐसे प्लेयर जो फ्री किक टेकर हैं, जो फ्री किक शॉट गोल कर सकते हैं, वो सिर्फ ना एक फ्री किक टेकर होते हैं बल्कि एक अच्छे स्ट्राइकर भी होते हैं, ठीक है। और क्योंकि उनके पास स्किल के साथ साथ शॉट भी होता है, पर कुछ कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो फ्री किक तो बहुत अच्छा ले सकते हैं पर एक अच्छे स्ट्राइकर नहीं होते हैं, वो एक पासिंग बिहेवियर वाले प्लेयर होते हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं कंपोजर के बारे में। तो गाइस, मैं अगर बात करूँ हमारे जिवकोविच कंपोजर के स्टैटिक्स के बारे में, तो इसका जो स्पीड होता है वो सेम टू सेम मार्क्समैन की तरह चलता है, ठीक है। और इसका रिस्पांस थोड़ा कम है, रिस्पांस प्रोड्यूसर के बराबर का होता है। और हाइट के मामले में ये मार्क्समैन से थोड़ा कम है, और इसके पास जो है शॉट नहीं है, पास है, ठीक है, सिर्फ पास है। और जो पावर है, पावर जो है वो मार्क्समैन से ज़्यादा है, और साथ ही साथ इसका स्किल भी मार्क्समैन से ज़्यादा है, मतलब इसका जो स्किल है वो एकदम प्रोड्यूसर के बराबर का स्किल होता है, ठीक है। अब इसका जो हमारा कंपोजर है उसका फ्री किक बिहेवियर आप एक बार देख लीजिए। आप देखना, जब यहाँ पे गोल होगा तो एक कर्लर दिखाएगा, ठीक है, मतलब कितना ही कर्व तरीके से मेरे पास गोल होता है। ये देखो, आया कर्लर जिवकोविच का शॉट, बहुत ही खतरनाक। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्री किक में लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे शॉट करूँगा, ठीक है। और ये देखो, ये भी फ्री किक गोल डीबॉक्स एरिया के बाहर से। अब आगे हम लोग बात करते हैं हमारा सिन प्लेयर हिटमैन के बारे में। तो अगर बात करें हिटमैन के स्टैटिक्स की, तो देखो यार, इसका जो स्पीड होता है ना, वो हमारे रेगुलर प्लेयर प्रॉलर के बराबर का होता है, ठीक है। यानी कि हमारे जो दो प्लेयर जिनके बारे में हमने देखा, कंपोजर और ये मार्क्समैन, इन दोनों की स्पीड से ज़्यादा होता है, यानी कि इन दोनों का जो स्पीड होता है उससे प्लस 5 ज़्यादा का स्पीड होता है हिटमैन के पास, ठीक है। उन सब के अलावा हिटमैन के पास स्किल तो है ही, स्किल के साथ साथ इसके पास शॉट है, ड्रिबल भी है थोड़ा सा, और पास भी है, ठीक है। मतलब ये जो प्लेयर है ना, ये एक अटैकिंग पोजीशन के लिए बेस्ट है, साथ ही साथ आपको एक फ्री किक का भी अच्छा ऑप्शंस प्रदान करता है। अब यार, हिटमैन के फ्री किक बिहेवियर को एक बार हम लोग देख लेते हैं।
अब यहाँ पे देखो एक फ्री किक मुझे मिला है हिटमैन के द्वारा, और मैं क्या करूँगा राइट टॉप कॉर्नर पे कर्व करके शॉट करूँगा, ठीक है। और अब देखना बस, और ये देखो हिटमैन का ये स्कोर, और सामने वाले प्लेयर के पास ये शॉट फ्री किक, और वो देखो वो भी बहुत टॉप कॉर्नर पे मुझे गोल करेगा, और ये देखो बहुत ही टॉप पे यार। अब एक बार यहाँ से देख लो इस एंगल से, ये एंगल अब देखने में लगता है कि ये फ्री किक गोल होगा नहीं, ठीक है, पर एक बार हिटमैन के शॉट को देखो, ये खतरनाक, मतलब इसके ऊपर शॉट भी है, पावर भी है, और साथ ही साथ स्किल भी है। तो ये यार हिटमैन जो है वो आपको स्ट्राइकर के साथ साथ एक फ्री किक का भी अच्छा ऑप्शन प्रदान करता है। तो यार गाइस ये था आज का हमारा वीडियो फ्री किक टेकर का पार्ट वन, पार्ट टू भी बहुत ही जल्दी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और वीडियो को लाइक कर देना यार, लाइक आप में से बहुत कम लोग करते हैं। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।